देखते हैं कि औरंगाबाद में समझ रहे हैं औरंगाबाद की नाम की लड़ाई जारी है, कई तरह की अफवाह का बाजार गर्म है, कोई अरेस्टे मिल गया है, कोई नाम लिखे जा रहे हैं, और हमने भी हमारे चैनल पे आपको बताया था, आपने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हम जानना चाहते हैं इस प्रसंग में आज जनता में एक अजीब माहौल चल रहा है, तो रोशनी डालिए कि सही मामला क्या है, सही इसका पक्ष क्या है। जी देखिए, जो मामला ये कुछ ऐसा है कि अभी जो हाईकोर्ट में जो इन्होंने पिटीशन PIL जो किया था, मुश्ताक अहमद साहब ने और उस्मानी साहब ने, हिशाम उस्मानी साहब ने, इनका अभी केस जो है वो चल ही रहा है। अभी कोर्ट ने वापस इसमें 7 जून शायद दिया है, और वो तो अभी पेंडिंग है। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी जो PIL थी वो अभी डिसमिस नहीं हुई है, मेरा केस अभी तक पेंडिंग है, और उसको लास्ट फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। फिर लास्ट फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने रखने के बाद ऐसा हो कि फिर कोर्ट ने कुछ रीज़न की वजह से मंडे को कर दिया था, लास्ट मंडे को। फिर लास्ट मंडे को ऐसा हुआ था कि फिर कोर्ट ने एक्चुअली यहाँ के जो मैंने FIR कॉपीज जो लगाया हूँ उसमें कोर्ट को दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो कोर्ट ने उस FIR कॉपी को ट्रांसलेट के लिए हमें टाइम नहीं था हमारे पास में एडवोकेट के, तो हमने थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट नहीं किए थे, गड़बड़ में थोड़ा सा दे दिया था, तो कोर्ट ने फिर उसको ट्रांसलेट के लिए 2 दिन का टाइम दिया था। तो अभी वो वापस आज फ्राइडे को रखा गया था, अब वापस फ्राइडे से अभी वो मंडे को रखा गया है, तो इंशाल्लाह मंडे के दिन उस पर सुनवाई रखे है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब तक मेरी जो PIL जो मैंने फाइल किया था उसमें अभी मेरा केस पेंडिंग है, वो अभी तक उसको ना तो वो डिसमिस हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है। जी सर, एक सवाल ये है कि जैसा हमने अखबार में भी देखा है कि जब हाईकोर्ट में सुनने में आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका डिसमिस कर दी और ये आप मामला पर हाईकोर्ट को पावर है, यहाँ से कुछ मामला होगा फिर वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि मेरी फाइल वहां पर पेंडिंग है, तो सर कंफ्यूजन का भाव है। देखिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल गया था, मैं सबसे पहले जब तक यहाँ पे हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल भी नहीं हुई थी तब मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हुआ ये था कि फिर यहाँ पे हाई कोर्ट में इनका मामला चल रहा था, तो मैंने भी थोड़ा सा डिले किया कि यहाँ पे अगर कुछ होता है तो, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो अपना नाम करना या हाईलाइट होना या मुझे किसी से वोट लेना नहीं है, कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा मकसद ये था कि औरंगाबाद का नाम सिर्फ औरंगाबाद रहे, इसीलिए मैंने जो है तो रिट पिटीशन किया था। लेकिन कोर्ट ने इंटरेस्ट लेते हुए कहा कि रिट पिटीशन को आप PIL करो, हम PIL में सुनते हैं, कोर्ट ने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया था, फिर मैंने PIL किया था। अब सीन ये है कि उसके बाद हो गया कि मुश्ताक अहमद साहब ये लोग भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और इन लोगों ने एक हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी गलती ये की है कि जब आपका 24 को आप सुप्रीम कोर्ट में हो, 24 के फ्राइडे था और सैटरडे संडे छुट्टी थी और मंडे को यहाँ पे हाई कोर्ट में मैटर है, तो सिर्फ 1 दिन का 2 दिन का गैप था बीच में, यानी 27 और 24 में कोई गैप नहीं था, एक 2 दिन की बात थी, तो 2 दिन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? आप हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की डेट एक्सटेंड कर लेते या कुछ कर लेते तो यहाँ पे हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या किया, 2 दिन पहले यानी 24 को आप वहां पे ये कर रहे हो, जबकि यहाँ पे आपका फाइनल था आपका 24 को हाई कोर्ट में, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन के लिए सिर्फ आपने अपना बेकार में मतलब डिसमिस करवा के लिए, तो फिर इनको डिसमिस कर दिया गया। और 24 को जब इनका था वहां पे, मेरे भी एडवोकेट वहां पे प्रेजेंट थे, लेकिन हमने जब देखा कि इनको यहां पे डिसमिस किया जा रहा है, इनको ये कहा जा रहा है कि आप जो है तो हाई कोर्ट में 24 को 27 को फाइनल है, आप वहां कीजिए, तो जब ये डायरेक्शन इनको दिए जा रहे थे तब हमने अपना जो है तो उसको ब्रेक करवा लिया था, और कोर्ट ने अभी हमें वापस सुनने के लिए 3 बार से किया, लास्ट फ्राइडे को भी सुनने वाला था, फिर वापस मंडे पे रखा गया, मंडे से फिर आज फ्राइडे पे रखा गया, अब मंडे पे है, तो इंशाल्लाह मंडे कुछ ना कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ डायरेक्शन गाइडलाइन होने वाले हैं, और इसीलिए होने वाले, मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, अभी आज लोग क्या कर रहे हैं कि रीनेमिंग के पीछे है, यानी जो औरंगाबाद का नाम बदला जाए तो उसके ऊपर जो चल रहा है कि औरंगाबाद समझने का, लेकिन मेरा जो अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ, मैं इस रीनेमिंग के पॉइंट पे बहुत कम हूँ, मेरा जो मुद्दा है, मैंने क्या किया हूँ, जितनी सारी FIR कॉपीज थी, जैसे कि जितने औरंगाबाद में बोर्ड फाड़े गए, जितने बोर्ड तोड़े गए औरंगाबाद को नाम को लेके, और जितने भी यहाँ पे दंगे हुए हैं, जैसे जटवाड़ा रोड पे हिंदू मुस्लिम हो गया था, किराड़पुरा में एक हो गया था, तो ठीक इसी तरह के राजा सिंह ने आके कुछ स्पीचेस वगैरह दिया था, वो भी मामला हुआ था औरंगाबाद को लेकर, तो वो सारी जितनी FIR कॉपीज है, ये सारी FIR कॉपीज मैंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, और सुप्रीम कोर्ट को हम ये दिखा रहे हैं कि इस तरह के नाम बदलने की वजह से यहाँ पे जो है तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है तो वोट फाड़े जा रहे हैं, यहाँ पे माहौल खराब हो रहा है, कहीं सारे लोगों पर FIR हो चुकी है, तो इसीलिए ये चीजों को सुप्रीम कोर्ट को मैंने ज्यादातर इसको प्रेस करते हुए हम इसमें डायरेक्शन मांग रहे हैं,
कि ये चीजों से ज्यादातर रिलीफ मिले, तो सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजों को देखकर डायरेक्शन देके इसके अंदर वो आगे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ज्यादातर, मेरा जो है प्रेस जो है हमारा जो कि फोकस है वो ज्यादातर इस चीज पे है। अगर मैं रीनेमिंग को लेकर अगर ज्यादा प्रेस सुप्रीम कोर्ट में करता तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा कि जैसे इन लोगों को डिसमिस किया है मुझे भी डिसमिस कर देगा कि आपका हाई कोर्ट में चल रहा है और आप भी यहाँ पे क्यों आए हो, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मैं ज्यादातर इस चीज को लेकर, और ये सारी एफआईआर कॉपीज वहां पे ट्रांसलेट करके हमने लगाए हैं, जितनी भी एफआईआर हमने किए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे औरंगाबाद में इस तरह के हंगामे चल रहे, इस तरह के बोर्ड तोड़े जा रहे हैं, इस तरह के यहाँ पे संभाजीनगर दिखता है तो वहां से उसको तोड़ा जा रहा है, औरंगाबाद दिखता है तो उसको तोड़ा जा रहा है, इस तरह के दंगे चल रहे हैं, इस तरह का माहौल खराब हो रहा है, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को हमने हाईलाइट किए हैं। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ गाइडलाइन और डायरेक्शन देना चाहिए। तो मंडे तक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डायरेक्शन, कुछ गाइडलाइंस वहां से इंशाल्लाह जारी होगी, तो पूरी उम्मीद है, देखते हैं, वो तो मंडे की बात है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो हमने देखा है कि कांग्रेस के कुछ नेता और खासदार जो तो कपिल सिब्बल से मुलाकात की है। हाँ जी, तो फोटोज भी बहुत देखिए। हाँ, वो जो इम्तियाज अली साहब है, इन्होंने कपिल सिब्बल के साथ फोटो पोस्ट किया था उनके इंस्टाग्राम पे, मैंने भी देखा, मुझे लगा इन्होंने कपिल सिब्बल को लगाया है, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर इन्होंने एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब को अगर लगाया है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में 24 को कपिल सिब्बल साहब नहीं थे जब इनको डिसमिस किया गया। तो जो एडवोकेट को आप हायर करते हो वो एडवोकेट वहां पे आर्ग्यूमेंट के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है, उनका मौजूद होना जरूरी है, लेकिन वहां पे कपिल सिब्बल नहीं थे। इसका मतलब है कि एक तो इन्होंने कपिल सिब्बल साहब को हायर नहीं किया, और अगर हायर किया था इन लोग ने तो वहां पे कपिल सिब्बल साहब होना चाहिए था। तो कपिल सिब्बल साहब का मेरे हिसाब से इस केस में कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ये है कि 7 तारीख को जो कोर्ट ने कहा है कि 7 जून को हम फैसला सुनाने वाले हैं जी, तो उसके पहले से एक शहर में रूमर चल रहा है कि महानगर पालिका से नाम हटा देना, वापस औरंगाबाद लगाना, पुलिस स्टेशन से नाम हटाना, औरंगाबाद लगाना, तो ये क्या असमंजस है, कोर्ट के क्या डायरेक्शन है जी? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, ये मुझे भी कई सारे कॉल्स आते थे, दो लोग मुझसे भी पूछते थे कि वसीम भाई आपको ये सब चीज़ों का काफ़ी नॉलेज रखते हैं आप, तो आप एक काम कीजिए, हमें ये बताइए कि ये जो औरंगाबाद का नाम बदल चुका है या अभी बदलने वाला है, अगर बदला नहीं है तो ये बोर्ड क्यों लगाए जा रहे हैं? आज कमीशन ऑफिस का भी नाम चेंज किया जा रहा है, बहुत जगह पे जितने सरकारी ऑफिस है इनका नाम बदला जा रहा है, तो इस पे आपका क्या बोलना है? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये नोटिफिकेशन जारी किया था, यानी पूरा प्रस्ताव बना के जब सेंट्रल को दिया था, तो इसके अधिकार जो है सेंट्रल को है किसी शहर या डिस्ट्रिक्ट के नाम बदलने के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया था। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा कंप्लीट करके वहां पे भेजा और वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अगर इसको पास कर दिया, इसका मतलब जो गवर्नमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट करके इन्होंने नाम बदल दिया गया। तो आज अगर आप अगर ये सवाल करते हो कि नाम बदला गया या नहीं, तो नाम बदल दिया गया है। और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूं कि हम ये चाहते थे कि हमारा नाम नहीं बदला जाए हमारे शहर का, तो हम उसके लिए हाई कोर्ट और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, मुश्ताक अहमद साहब है हमारे, ईशाम उस्मानी साहब है, वो हाई कोर्ट गए, तो ये लोग चाहते हैं कि नाम नहीं बदला जाए, इसलिए ये लोग गए। लेकिन जब तक हम ये नहीं बोल सकते कि अब इसका नाम नहीं बदलेगा, या जब तक हाई कोर्ट इसमें डायरेक्शन नहीं देती, हाई कोर्ट इसमें कोई डिसीजन नहीं लेती या सुप्रीम कोर्ट, तब तक के ये नाम अभी संभाजी नगर ही है। आपको क्या लगता है सर? और अभी ये भी एक अफवाह मैंने देखा है कि अभी नाम नहीं बदले जाएंगे ऐसा कहा गया, लेकिन ऐसा कोई कोर्ट का ऑर्डर मैंने आज ही पढ़ा हूं, ऐसा कुछ कोई ऑर्डर हुआ नहीं है कि स्टे नहीं मिला है इस पे। 7 जून अभी दिया गया, तो 7 जून तक की हाई कोर्ट से अभी नाम नहीं बदले जाएंगे ऐसा नहीं, नाम ऑलरेडी बदल चुके हैं, और सभी सरकारी ऑफिसेज के आप लेटर देखो उस पे संभाजी नगर ही आ रहा है, तो नाम बदल दिए गए हैं। और दूसरी चीज ये कि हाई कोर्ट ने अभी इस पे स्टे नहीं लिया है, और किसी चीज पर जब तक स्टे नहीं आता है तो आप उसको ये नहीं मान सकते कि चीज को रोक दिया गया है, तो ये भी एक अफवाह है। ठीक है सर, समाचार पत्रों में आया है कि हाईकोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि आप जैसे थे वैसे। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने हाईकोर्ट का मैंने अभी ऑर्डर मेरे पास में भी, इसमें मैंने मोबाइल में भी ऑर्डर पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा नहीं है कि आप सारी चीजें जो है रोक दिया गया है, ये सब चीजें रोकने के लिए स्टे दिया जाता है, ऐसा कोई स्टे या गाइडलाइन या डायरेक्शन जारी नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो आप मुझे बताइए, किसी के पास है ऐसा कि हाँ ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन है कि नाम अभी बदले नहीं जाएंगे, जो है वो वही रहेगा, ऐसा डायरेक्शन या स्टे है तो मुझे बताइए, ऐसा कोई स्टे या डायरेक्शन नहीं है। एक बात ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करके नाम पास करती है छत्रपति संभाजीनगर जी औरंगाबाद को हटा के, आपको क्या लगता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दखल लेकर मान्यता दे रही है कि नाम बदल दिया जाए औरंगाबाद का, तो कानूनी एतबार से आपको कितनी उम्मीद है आप केस जीतेंगे? देखिए मेरा ये कहना है कि देखो इसमें आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब इससे पहले भी मैंने कहा था, अभी भी कहता हूँ,
जब 1995-96 में जब औरंगाबाद का नाम बदलने का जब फिर से एक बार जब ये हुआ था लास्ट टाइम, तो 1995-96 में जो हुआ था उस टाइम जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का नहीं था। तो ये एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑर्डर्स थे उसको हाईकोर्ट ने जो है तो फेवर नहीं किया था, हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। मतलब उस टाइम पे हाईकोर्ट ने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जब हाईकोर्ट ने उनकी तरफ से फैसला किया था, तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो है तो ये तो स्टेट और सेंट्रल ने पास कर चुकी है, तो हमें हाईकोर्ट से भी उम्मीद नहीं की जा सकती। और अगर हाईकोर्ट से अगर उम्मीद होती हमें, तो ये समझ लीजिए जब फर्स्ट टाइम जब हमने कोर्ट को पहला आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में, जैसे उस्मानी साहब का और अहमद मुश्ताक अहमद साहब का, तो कोर्ट ने तभी स्टे दे देना चाहिए था कि सो एंड सो डेट हम नेक्स्ट दे रहे हैं, वो डेट तक जो कुछ है वो एज इट इज रहेगा। तो स्टेटस को देना चाहिए था, स्टे देना चाहिए था, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। उसके बाद भी काफी डेट पे डेट चलती ही रही, 27 मिली, 24 मिली, लेकिन इसमें स्टे नहीं दिया गया। इसका मतलब हम कोर्ट से हम उम्मीद नहीं कर सकते। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट भी आप सोचिए कि अगर 24 को सुप्रीम कोर्ट में ये लोग थे मुश्ताक अहमद साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट 24-25 को था सैटरडे, 26 को था संडे, 27 को यहां का फैसला था। तो कोर्ट चाहती थी सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरेस्टेड होती और सुप्रीम कोर्ट का अगर इंटेंशन होता कि इसमें कोई डायरेक्शन दे, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती थी कि हम आपको नेक्स्ट डेट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस को डिसमिस नहीं करती थी, पेंडिंग रखती थी, जैसे कि मेरा केस पेंडिंग रखा गया है। तो कोर्ट ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, और रहा सवाल मेरे केस का, तो मुझे इसलिए उम्मीद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी रीट पिटीशन को पीआईएल में किया, उसके बाद लास्ट फ्राइडे को भी रखा, उसके बाद फिर लास्ट मंडे को भी रखा, फिर अभी इस फ्राइडे को भी रखा, अब नेक्स्ट मंडे को भी रखा। तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कहीं ना कहीं कि कुछ इंशाल्लाह हो सकता है। और मेरी पिटीशन में मुझे उम्मीद इसलिए है क्योंकि केस डिफरेंट नहीं है और यहाँ पे मैं का मामला भी नहीं है, यहाँ पे मुझे उम्मीद इसलिए लग रही है क्योंकि मेरा जो मामला है वो रीनेमिंग पे नहीं है ज्यादातर। मेरा जो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट है और ज्यादातर मेरा जो फोकस और हम जो प्रेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि औरंगाबाद का ये जो माहौल चल रहा है कि ये जो बोर्ड तोड़ देना, और जो जब तक हाईकोर्ट में अगर केस पेंडिंग था मुश्ताक अहमद साहब का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतनी कैसे घाई की कि फटाफट कॉरपोरेशन का नाम बदल दिया गया, जगह जगह पे बोर्ड का नाम बदल दिया जा रहा है, जगह जगह पे कमीशन ऑफिस का, तो ये नाम जो बदलने का सिलसिला चल रहा था, तो ये भी चीज हमने कोर्ट को बताया है कि जब ये कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो ये करना गलत है, nobody can interfere in court matter, तो ये कोर्ट मैटर था, इसमें ये कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी के ताल्लुक से एक सवाल है, आखिरी सवाल है जी। देश चलाती सरकार, यस, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अगर उसके पास कोई केस आता है तो उस पर फैसला सुना, यस, देश के लिए क्या सही है क्या गलत है ये डिसीजन लेने वाली सरकार है, यस। जब सरकार ने डिसीजन ले ली जी, तो मेरा सवाल यही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो पिटीशन है, मेरी पिटीशन में मैं, आपने जो बोला बिल्कुल सही, मेरी जो पिटीशन है, मेरी पिटीशन इसी बात को लेके है कि आप जो है तो यहाँ पे मामला छत्रपति संभाजी महाराज का यहाँ से कोई लेने देना नहीं है, या लेना देना है, या औरंगजेब का यहाँ से कोई लेना देना है, ये चीज़ पर मेरी पिटीशन है नहीं। मेरी पिटीशन इसलिए है कि आज हमारे इस औरंगाबाद को विकास की जरूरत है। आज 500 CR, मतलब लगभग 500 CR आज इस औरंगाबाद के नाम को बदलने में खर्च होने वाले हैं। 500 CR आप एजुकेशन पर खर्च कीजिए, आप यहाँ के रोड बनाने पे कीजिए, आज लोग पानी के लिए आज परेशान है, पानी पे खर्च कीजिए, ये चीजें जो है हम इस चीज पे, और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये कोई मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, एक स्टेट लेवल पर नहीं है, एक कंट्री लेवल पर नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे है हमारा औरंगाबाद। तो इसीलिए मैं इस नाम को जो है, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि इस नाम को बदलने में गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है बल्कि नुकसान है। तो क्या क्या गवर्नमेंट के इसमें नुकसान है वो सारी चीजें हमारी सरकार को, क्या मैसेज है आपका? केंद्र सरकार को हमने पार्टी बनाए हैं इसी चीज को लेकर, नाम को लेकर यही तो, ये दोनों देखिए, जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट को है वही केंद्र सरकार को है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में भी देखिए जो सरकार है, जो गवर्नमेंट अगर जो चेयर पे है, वो गवर्नमेंट अगर ये कुछ करती है तो ठीक है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट ने ये चेंज किया जो कल जाने वाली है, वो आज अगर ये नाम चेंज करके जा रही है तो इसका क्या मतलब है? ये एक सिर्फ जो है तो पॉलिटिकल लेवल पे कर रहे हैं, बाकी इसमें हमारे किसी का कोई फायदा नहीं है। आज इतने सारे आज खर्चे हैं, 500 CR तक इसमें खर्चा होने वाला है, उससे ज्यादा, तो ये हमारे विकास पे खर्च होने चाहिए।
चलते चलते औरंगाबाद की जनता को क्या मैसेज है? बस मेरा यही मैसेज है कि जो कुछ चीजें हैं इसमें अफवाह भी है, और देखिए अगर कोर्ट पे, अभी लास्ट उम्मीद हमारी कोर्ट पे है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा, और अभी मैंने कोर्ट के बारे में भी आपको बता दिया, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि हकीकत है। तो हकीकत से हम देखिए, इफ यू विल टर्न योर फेस फ्रॉम रियलिटी बट यू कांट चेंज रियलिटी, आप हकीकत से मुंह फेर लो लेकिन हकीकत बदलने नहीं वाली है। लाइक जैसे कि जमीन है, हम जमीन से मुंह फेर के बोलेंगे कि नहीं ये आसमान है, तो हमारे मुंह फेरने से उसको आसमान समझने तो आसमान नहीं होगा, जमीन है तो रियलिटी है कि वो जमीन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हकीकत से मुंह फेरने से हकीकत नहीं बदलने वाली, हकीकत हकीकत रहने वाली है, रियलिटी रियलिटी रहेगी। अगर हमारी कोर्ट पर तो ट्रस्ट नहीं है, लेकिन हम जो भी ईमान वाले होते हैं, मुसलमान होते हैं, हमारा ईमान जो है वो अल्लाह की ज़ात पे, और हमें उम्मीद अल्लाह की ज़ात पे है। तो अगर अल्लाह इसमें फैसला देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी इसे बदल नहीं सकती, और अल्लाह खुद बदलना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर इसे फैसला नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमारा जो ईमान है वो अल्लाह की ज़ात पे है, और कोर्ट पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है और जो उम्मीद है लास्ट कोर्ट पे है। अगर कोर्ट ने फैसला हमारी तरफ से दिया तो ये औरंगाबाद रहेगा, और अगर कोर्ट ने फैसला नहीं दिया तो ये संभाजीनगर रहेगा। आप सभी से अपील है कि जो माहौल है वो अपना शांति से बनाए रखे, और जो भी फैसला होगा अल्लाह की मर्जी समझ के इसको एक्सेप्ट करें। सर एक सवाल जहन में आ रहा है, जैसे तमाम आपकी बातचीत सुनने के बाद, तो फिर ये सरकारी लेवल पे या इसको औरंगाबाद समझा जाए, संभाजीनगर समझा जाए? अभी फिलहाल तो संभाजीनगर है, ये रियलिटी है। Reality? हाँ, मैंने अभी आपको क्या बताया, इफ यू विल टर्न योर फेस फ्रॉम रियलिटी बट यू कांट चेंज रियलिटी, कानूनी एतबार से ये संभाजीनगर हो चुका है। अभी कोर्ट अगर चाहे तो ये औरंगाबाद रह सकता है, अगर कोर्ट ने इसमें स्टे दिया और डायरेक्शन दिया कि ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहे तो हो सकता है, वरना ये नहीं हो सकता। तो आप ये जो है ये हकीकत है, अब आपको कोई और क्या गाइड करेगा, वो मिसगाइड कर रहे हैं और वो गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि हकीकत से मुंह फेरने से हकीकत नहीं बदल जाती। ये अगर पानी का ग्लास है तो मैं इसे मुंह फेर कर कहूंगा नहीं ये पानी का ग्लास नहीं है, तो ग्लास ग्लास ही रहने वाला है, वो कुछ और शक्ल, वो एक कप की शक्ल नहीं ले लेगा। ओके, आपका नाम? मैं हूँ वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी।